हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारास किचन। आज मैं मटन कुना बनाने लगी हूँ, जो ऑथेंटिक, इजी और टेस्टी रेसिपी है विद ऑल होममेड मसाला। तो चलें आए, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुकिंग पॉट को लो फ्लेम पर रखना है, उसमें हाफ कप देसी घी डालना है। वैसे तो मटन कुना मट्टी की हांडी में ही बनता है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप कोई भी कुकिंग पॉट में इसको बना सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, फिर 2 बड़े प्याज स्लाइस में काट के डालने हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और कवर कर देना है 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे। फिर 1/2 kg मटन ऐड करना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब मीट का कलर वाइट होना शुरू हो जाएगा तो इसमें मसाला ऐड करना है। नमक टेस्ट के हिसाब से डालना है। लाल मिर्च पाउडर या फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, बादियान के फूल 2, 3 सब्ज़ इलायचियाँ, 4 लौंग, साबित काली मिर्च के 6 दाने, 2 बड़ी इलायचियाँ और दालचीनी के 3 टुकड़े डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 2 मिनट्स के बाद 1 लीटर पानी ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स करके कवर कर देना है लो फ्लेम पे 3 घंटे के लिए। फिर सूखी मेथी डालनी है 2 टेबलस्पून, साबित गोल लाल मिर्चें 6, जायफल जावित्री का पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून। फिर गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और कवर कर देना है ढक्कन से। अलग से फाइन आटा लेना है 2 टेबलस्पून, उसमें 1/2 गिलास पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर आटे वाले बैटर को कुकिंग पॉट में डालना है, साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ग्रेवी थिक हो जाएगी। अजवाइन 1 टीस्पून, कलौंजी 1 टीस्पून डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और कवर कर देना है 30-40 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे। जब मीट गल के बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा तो हमारा मटन कुन्ना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर सर्व करते हुए धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और अदरक स्प्रिंकल कर देनी है। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।